सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं शिखापुर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नाथ नगरी झुमका नगरी बरेली से तो देखिए फ्रेंड्स, आज है संडे और आज हमारे घर में बनना है जो कुछ स्पेशल। तो आज हम लोग जो बना रहे हैं मंचूरियन। पीहू की मनपसंद जो है मंचूरियन जो बन रही है और इसकी रेसिपी मैं आपको जो है जल्दी लेकर आऊँगी। आज सुबह जो है मतलब जल्दी से अचानक प्रोग्राम जो है बन गया और ये मंचूरियन जो है तैयार हो गई आपके सामने जो है बन के। अब देखिए मैंने किचन में जो है कढ़ाई में घी गरम होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसे जो है डीप फ्राई कर लूँगी और गर्मी बहुत हो रही है, क्या कर सकते हैं भाई, गर्मी जो है अपने जो है चरम सीमा पर है। तो आप लोग जो है गर्मी में अगर काम हो तभी बाहर निकलेगा, अदरवाइज आप लोग बाहर मत निकलेगा क्योंकि गर्मी से बहुत ही जो है भयंकर जो है बीमारी हो जाती है। तो आप लोग प्लीज़ जब भी घर से बाहर निकलिए तब आपको जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। और चलिए देख लेते हैं पीहू यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो पीहू क्या कर रही हो? पीहू यहाँ पर जो है पढ़ाई कर रही है क्योंकि पीहू का जो है कल मंडे को टेस्ट है ना। और पीहू अभी कौन सा गाना जो है गा रही थी, जरा गा के सुना। नहीं, वो सुना है ना, वो गाना है वो नहीं, कुछ जो गुनगुना रही थी, कुछ गुनगुना रही थी। चल वो एक गुनगुना के सुना दे। क्या सुनाओ? अभी अभी सुना रही थी। चलो अच्छा जो तुम जो है पढ़ाई कर लो, मैं तब तक जो तुम्हारी जो फेवरेट क्या बना रही हूँ, मंचूरियन। ठीक है, ओके। हमारी जो है मंचूरियन अब जो है डीप फ्राई जो है हो गई है और हम जो है इसे एक एक करके जो है प्लेट में निकाल लेंगे। अरे खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज बनने वाली है भाई। आज का संडे तो बहुत अच्छा ही बनने वाला है क्योंकि पीहू की मनपसंद जो है मंचूरियन यहाँ पर बन रही है। अभी दिखने में इतनी अच्छी लग रही है तो खाने के बाद क्या होगा भाई। वाह, तो देखिए डीप फ्राई करने पर इसका जो है लुक इस तरीके का आता है और ये बिल्कुल जो है क्रिस्पी हो गई है। अभी मैं आपको इसे जो है दिखाऊँगी भी तोड़ के, फिर आप लोग जो है बताइएगा ये कैसी जो है बनी है। बस लेकिन जरा सी मिस्टेक हो जाती है ना तभी ये मंचूरियन जो है थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, लेकिन आई होप कि इस बार जो है कोई भी जो है मिस्टेक नहीं होने वाली है और मंचूरियन का आने वाला है बहुत ही मज़ा। और भी बची हुई हैं उसे भी हम जो है डीप फ्राई कर लेंगे यहाँ पर जो है। तो हमारी अभी जो बची हुई थी थोड़ी सी, अब हम उसको भी डीप फ्राई करेंगे, फिर इसकी हम ग्रेवी जो है तैयार कर लेंगे। और पीहू को फ्रूट यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद है और पीहू ने देखिए एक मौसमी जो है चटनी कर दी है ना। हाँ। जो है पूर्णमा, और पूर्णमा के आगे ना आप एक टोकरी जो है फ्रूट रख दीजिए, एक सेकंड में जो है क्या हो जाएंगे चैट। पढ़ाई करने के साथ साथ ये फ्रूट भी खाती रहती है ना। चलो ठीक है भाई, और जो है पीहू जो है गर्मी में फ्रूट भी जो खा रही है। हाँ, और देखिए पीहू ने जो है यहाँ पर अपने पापा से तरबूज भी मंगवाया है और यहाँ पर जो है खरबूज भी मंगवाया है। अब बस आज के दिन इन लोगों का भी संडे बनने वाला है और पीहू आज जो है पूरे दिन एंजॉय करने वाली है फ्रूट और जो है मंचूरियन, और साथ में जो है क्या एंजॉय करेंगी वो बताते हैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद। भी बताओ आप क्या खाना है, तरबूज या खरबूज? क्या खाना है आप, तरबूज या खरबूज? हाँ अभी हाँ, देखा क्या मैंने कहा था ना, मतलब इसे जो है पूरे दिन आप फ्रूट खिलाते रहिए, ये फ्रूट खाती रहेगी। बस खाने का नाम मत लो है ना, खाने का नाम बिल्कुल भी मत लो, लेकिन हाँ फ्रूट खा लेती है। लेकिन बहुत अच्छी बात है भाई कि जो है बच्चे आजकल के जो है फ्रूट जो है खा लें। और जो है पीहू क्या काट के लाना है, तरबूज? यस ठीक है, मैं तरबूज जब तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँ मैं तरबूज काट के लाती हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारे बाकी बच्चे जो है मंचूरियन भी अब जो है धीरे धीरे जो है फ्राई हो रहे हैं यहाँ पर, इसे डीप फ्राई जो है जब तक हो रहे हैं, और तब तक जो है यहाँ पर जो है खरबूजा भी जो है काट दिया है हमने। आजकल जो है खरबूजे थोड़े से जो है गले गले से आ रहे हैं, आई थिंक जो है थोड़ा सा तो इन्हें मतलब दब जाते हैं या थोड़ा सा मतलब इधर उधर जो है गिरने से ये थोड़े से जो है गल जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, ये ख़राब नहीं है जो है खरबूज यहाँ पर थोड़ा सा गिर गया होगा या तो या जो है दब गया होगा, तो इसलिए थोड़ा सा हाँ थोड़ा गाड़ी में जो है लोड वोड जो है करते समय थोड़ा सा दब गया होगा, तो इसलिए जो थोड़े से जो है गल जाते हैं, लेकिन ये ख़राब नहीं है। तो चलिए अब जो है पीहू को जो है खरबूजा दे के आते हैं पीहू, लेकिन ना ये जो खरबूजा जो है बिल्कुल जो है मीठा नहीं है, खाते रहो। लेकिन पता है थोड़ा सा ना जो थोड़ा सा मतलब दब गया था ना, तो मैंने कहा पहले जो है इसी को जो है कट कर देते हैं, कैसे है बताओ?
ज़्यादा मीठा नहीं है ना। पर मैं तो तरबूज भी नहीं खोया था। चलो कोई नहीं, पहले खा लो फिर बाद में जो खिला देंगे, है ना। बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। गाय से भी पूछ लो, अकेले अकेले खा रही है, किसी को देगी नहीं? लाइए। अरे तो हम भी तो है। तो देखिए, हमने जो है मंचूरियन की ग्रेवी तैयार करने के लिए यहाँ पर जो है थोड़ी सी कटिंग कर ली है। ये है शिमला मिर्च, मेरे पास लाल वाली थी, अगर आप लोग के पास हरी वाली है तो हरी वाली डाल लीजिएगा। और ये है जो है लहसुन, और ये है अदरक, और ये है यहाँ पर जो है हरी मिर्च। तो देखिए मैंने जो है ग्रेवी तैयार करने के लिए, और प्याज भी पड़ेगा, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं जो है प्याज भी पड़ेगा। और ये जो रेसिपी जो है वो मैं नहीं बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि जो है कई लोग जो है कैमरे से थोड़ी मतलब परहेज करते हैं, तो इसलिए जो है वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। और देखिए रात के खाने में बनने वाला है हमारे यहाँ बेसन चावल, जिसे आप लोग बोलते हैं कड़ी, और पकौड़े यहाँ पर जो है बन के पूरी तरह से तैयार हुए हैं। और अब हम लोग जो तैयारी कर लेते हैं मंचूरियन की ग्रेवी बनाने की। और फ्राइड राइस बनाने के लिए हमने थोड़े से जो है यहाँ पर चावल भी भीगने डाल दिए हैं, बासमती चावल है भाई। तो देखते हैं जो है इसके जो है राइस कैसे बनते हैं। तो चलिए अभी इसे भीगने देते हैं, फिर बनाते हैं। और देखिए यहाँ पर हम मंचूरियन के साथ स्पेशल राइस बनाएंगे और आप लोग को बताएंगे भी। और ये देखिए मैंने बासमती चावल जो है भुने के लिए डाल दिए हैं, तो इसे भीगने देते हैं और तैयारी कर लेते हैं इसकी भी। तो चलिए, और देखिए यहाँ पर जो बना रहे हैं हम लोग जो है बंगाली पुलाव। और बंगाली पुलाव बनाने के लिए हमने सारे जो है खड़े मसाले ले लिए हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट, आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बादाम, मखाने और थोड़ा सा किशमिश और जो गुड़ा लिया है। तो आप अपनी पसंद से जो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ पर ले लिया है। और यहाँ पर जो है बन रहा है हमारा बंगाली पुलाव। तो देखिए अब बंगाली पुलाव बनाने की भी स्टार्टिंग हो चुकी है। और देखिए हमने जो यहाँ पर सब खड़े मसाले जो ले लिए हैं, और जो है ले लिया है थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, जो भी आपके पास खड़े मसाले हों उसे ले लीजिएगा। और अपनी पसंद के कोई भी आप लोग ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और यहाँ पर ले लिया है बासमती चावल, थोड़ा सा घी डाल के, देसी घी डाल के हमने फ्राई कर लिया, फिर हमने जो है चावल छोड़ दिए। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मस्त होता है। मुझे जो है एक बंगाली मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे जो है खिलाया था, तो मुझे तब से बेहद ही पसंद है। तो आज हम जो है इसको जो है बनाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं। और देखिए हम इससे जो है पुलाव को बनाते समय ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने जो है चावल को पहले अच्छी तरह से भिगो लिया था। थोड़ा सा ही जो है पानी डालेंगे ताकि हमारे चावल अच्छी तरह से फूल जाए। और हमने इसमें जो है डाल दिए थे तेज़पत्ते। और उधर जो है तैयारी हो रही है मंचूरियन की ग्रेवी बनाने की, और इसमें पानी जो है खाली हो गया है, इसे भर लेते हैं मोटर चला के जल्दी से। इधर देखिए थोड़ी सी जो है प्याज भी कट चुकी है जो है उसकी ग्रेवी बनाने के लिए, मंचूरियन की ग्रेवी बनाने के लिए। अब जल्दी से पानी भर लेते हैं। गर्मी में देखिए जो है पानी का लेवल भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, इसकी मोटी धार बहती थी, अब उसकी पतली धार बह रही है, क्योंकि जो है गर्मी में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हर जगह। हमारी सब्जी जो है पूरी तरह से फ्राई हो चुकी है, और अब हम जो है डालेंगे इसमें चिली सॉस, अब यह है सोया सॉस, सोया सॉस जो है पड़ जाएगा, और इसमें पड़ेगा देसी सिरका, पड़ेगा देसी सिरका, गांव का सिरका है ये, देसी सिरका डाल देंगे एक चम्मच। देखिए इसका कलर इस तरह से जाता है, अब बिल्कुल मस्त बनने वाली है मार्केट जैसी। अब इसमें डाल दिया थोड़ा पानी, चला देंगे भाई। अब इसमें डाल देंगे जो है कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर को जो है पानी में थोड़ा सा घोल के डाल देंगे, ताकि ये थोड़ी देर थिकनेस आ जाए इसकी ग्रेवी में, और बिल्कुल मार्केट जैसा टेक्सचर लगे इसका। देखिए देखिए हमारी जो है ग्रेवी जो है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, और इसमें देखिए कलर भी आ रहा है जो है धीरे धीरे। अब यही जो है ग्रेवी जो पतली दिखाई दे रही है, थोड़े समय के बाद थोड़ी सी थिक हो जाएगी। और इसमें जो है थोड़ा सा टोमेटो केचप भी जो है डाला जा रहा है, ताकि जो थोड़ा सा जो है मतलब मीठा मीठा सा जो है फ्लेवर आ जाए। देखिए कितनी अच्छी जो है मतलब इसका टेक्स्चर बन के तैयार हुआ है यहाँ पर, ये देखिए सब कुछ इसमें जो है मिक्स हो गया है। अब बस थोड़ा सा जो है इसे बॉयल करेंगे, फिर देखते हैं इसका टेक्स्चर। तो देखिए हमारा जो है यहाँ पर पुलाव और जो है मंचूरियन पूरी तरह से बनके तैयार हो चुकी है, बस अब है जो है सर्व करने की बारी और फिर खाने की बारी।
find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. अब पीहू बताएगी खाके कैसा बना है, बताओ पीहू। ऐसे जैसे तो मैं बताती हूँ कि कैसा बना है। तो भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है प्लेट, ये मंचूरियन है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। देखो अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा तो अब पता चल गया ना, ये है पुलाव, तो हम लोग इसके साथ टेस्ट करेंगे। और ये ना ऐसे वैसे पुलाव नहीं है, ये बंगाली बनाया है। मैंने कहा था ना कि मम्मा वैसे बनाना। हाँ एक बार ये आंटी है। और पता है पापा ने बनाया, देखो रख रख के कैसा बनाया, कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, इतनी मस्त खुशबू आ रही है ना। बेस्ट कॉम्बिनेशन है गाइस ये। अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए यहाँ पर जब पीहू एंजॉय करती है, तब तक हम लोग आगे और तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि आज है संडे और संडे को स्पेशल बनाना है हमारा काम। तो लीजिए भाई, हमारा रात का खाना भी बनके तैयार हो चुका है। और रात के खाने में हमने बनाया है पकौड़ी वाला बेसन, जिसे आप लोग कढ़ी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कढ़ी नहीं बोला जाता है, बेसन बोला जाता है। और मैंने यहाँ पर जो बनाई है फली की सब्ज़ी, और यहाँ पर बन गया है गर्मा गर्म चावल, और देखिए यहाँ पर है गर्मा गर्म रोटी। तो चलिए इस टेस्टी से डिनर का आनंद ले लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को आज हमारा संडे स्पेशल ब्लॉग? अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें एंड देन सब्सक्राइब करें। और हमें आप लोगों से बहुत शिकायत है भाई कि आप लोग हमारे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो आज हमारी इस शिकायत को दूर करने का मौका आप लोगों को दिया जा रहा है। तो आप हमारे ब्लॉग को जल्दी से लाइक करिए, जल्दी से शेयर करिए एंड देन सब्सक्राइब करिए। बाय।